अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज सैटरडे है, आज रमीज़ को लेट थोड़ा जाना था, इसके लिए हमने बाहर से आज पराठा ऑर्डर किया है। ये आलू वाला पराठा है और रमीज़ ने इसमें ढेर सारा देसी घी डाला है और साथ में चाय। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग तो सो गए थे और रमीज़ चले गए थे अपनी जॉब पर 11 बजे तक। तो अभी हम लोग उठे हैं 2:30 बजे। सुबह में हमने इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था तो इस टाइम पे हमने सिर्फ चाय पी, और इशाल के लिए भी पराठा रखा था तो उसको भी गर्म करके दे दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को शावर दिया, इनको रेडी किया, और जो भी ड्रेसेस ड्राई हो गए थे उनको फोल्ड करके रखा। और अभी मेरी इवनिंग टी का टाइम हो गया है, अभी मैंने आज ग्रीन टी बनाई है। और इशाल की फ्रेंड भी आ गई है तो इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे हैं आज, आज घर में ही नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग। इल्हाम ने आज घर का कुछ भी खाना नहीं खाया सिवाय उसने स्ट्रॉबेरी मिल्क, मैंगो जूस और चिप्स, यही सब चीज़ें खाई हैं। 10 बज गए हैं, अभी रमीज आए हैं, खाना गर्म कर रही हूँ। खाने में वही है गल का पुलाव, और इल्हाम को नूडल्स चाहिए तो उसके लिए नूडल्स। इल्हाम अपने नूडल्स बनवाने आ गई हैं साथ में, आज ये सोई नहीं है और इशाल भी नहीं सोई। इशाल को नींद आई है और इसको भी दोनों को लिखने बोला कि अभी मत सो। 11 बज गए हैं, हम आ गए हैं वॉक के लिए, वॉक करेंगे, ग्रोसरी जाएंगे और फिर बस आ जाएंगे घर पे। हमारी पुरानी बिल्डिंग के पास यहाँ पे एक कैफेटेरिया है, यहाँ पे अरबिक ब्रेड मिलती है, उसको बोलते हैं रिकाक। वो एकदम बारीक पेपर की तरह होती है बिल्कुल, और एकदम क्रिस्पी, तो उसको एग में भी बनाते हैं और चीज़ में भी। हम लोग सोचे थे आज ट्राई करेंगे लेकिन इतना लेट गए थे, वो बोलते हैं हम बस अभी क्लोज करें। उसके बाद उसके बाजू में ये एक कैफेटेरिया था, हमने यहाँ से चाय ली और इशाल ने अपना वही सैंडविच लिया। सामने चाँद पे नज़र पड़ी तो आज चाँद देखा तो बिल्कुल ऑरेंज कलर का, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी एक क्लिप ले लेती हूँ। फिर चाय पीते पीते रमीज को याद आया कि मुझे हेयर कलर कराना है, हेयर कटिंग कराना है, क्योंकि कल मुझे फ़ोटोग्राफ्स निकालने हैं, क्योंकि रमीज़ का वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है तो उससे पहले सारी प्रिपरेशन करनी है। तो बाजू में ये एक सैलून था तो ये भी क्लोजिंग टाइम था, लेकिन फिर भी उसने बोला ठीक है चलो आ जाओ मैं कर देता हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है, इशाल की भी करा दी, उसके भी बैंग्स बड़े हो गए, फिर इशाल के भी करा लिए। और इल्हाम को इतना हमने रिक्वेस्ट करी कि हेयर कटिंग करा लो लेकिन उसने नहीं कराए। आज संडे है, आज हम लोग 2 बजे उठे थे, अभी 3:15 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो आज ब्रेकफास्ट में इशाल के लिए ब्रेड बनाए मिल्क के खाने वाले, और ये जो खारी का चूरा बच गया था आज मैं इसको ख़त्म करूँगी, इसमें मिल्क डाला है मैंने और एक चम्मच देसी घी। और इल्हाम के जो रात में नूडल्स बनाए थे वही नूडल्स अभी वो खा लेगी, खाएगी कि नहीं पता नहीं, ये ऐसे ड्रामे करती है, वो बनवा लेती है लेकिन ख़त्म नहीं करती। साथ में है फ्रूट और चाय। कोसा तोरी आज बनाऊँगी, सिंपल सब्ज़ी, अभी इसको काट के रख दूँगी और जब बाहर से जाके वापस आएँगे मगरब के बाद फिर बनाऊँगी। 5:45 बज गया, अभी हम लोग बाहर आए, बस आधे घंटे में मगरिब हो जाएगी। लेट से लेट ही हो जाता है, कितना भी सोच ले हम लोग तो जल्दी निकले लेकिन लेट ही हो जाता है। रास्ते में बच्चों को ये किटन नज़र आ गए थे तो ये लोग यहाँ पे खेलने लगे, काफ़ी देर तक ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे। फिर उसके बाद मैं इशाल गई अपने फ्रेंड्स को लेने के लिए, लेकिन आज कोई भी नहीं आया, कोई बाहर गया है तो कोई सो रहा है तो कोई बीमार है। तो बस उसके बाद बच्चों को मैं ग्रोसरी लेके गई, इन्होंने वहाँ से अपनी आइसक्रीम ली, और अभी बस मगरिब का टाइम होने वाला था तो हम लोग बस यहाँ पे खड़े रह के वेट कर रहे थे कि मगरिब की अजान हुए तो हम नमाज़ पढ़ने जाएं। बिच्चू हम को आज नहीं आना है, बोलती मुझे नहीं आना, मुझे नहीं पसंद आई है। नमाज़ पढ़ने के बाद इशार बोलती है मम्मा चलो वॉक करने चलते हैं, तो मैंने बोला पहले ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड लेने के बाद में जाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग गए ब्रेड ली, फिर ब्रेड लेने के बाद यहाँ पे इल्हाम बोलती है कि सुपरमार्केट में चलो, फिर सुपरमार्केट में गए, वहाँ से थोड़े वेजीज वगैरह जो नहीं थे ख़त्म हो गए थे वो ले लिए मैंने। उसके बाद बस हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो प्ले सेंटर वाली बिल्डिंग नज़र आ गई, तो मैं सोचा चलो आज यहाँ पर देखते हैं जाके अभी ओपन है कि नहीं है। प्ले सेंटर में हम लोग चले तो गए, जब इल्हाम अंदर गई तो वो बाहर ही नहीं आ रही है, बोलती कि नहीं मुझे यहाँ पे ही खेलना है। और मतलब इतना कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक फ्लैट था वन बेडरूम का, उसी के अंदर उन्होंने प्ले सेंटर बनाया है और एक ही बच्चा था अंदर, एक दो बच्चे शायद से, और इतना कुछ खास भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा हाउस था, एक छोटी सी राइड थी और एक जम्पोलिन था बस, थोड़े बहुत टॉयज थे। और दूसरे रूम में बच्चों का स्लीपिंग रूम बनाया है और क्लास रूम बनाया है, तो मतलब यहाँ पे क्लास भी होती है सुबह में, और अगर से किसी को डे केयर के लिए देना है, फुल डे का इनका चार्जेस है 50 दिरहम और मंथली चार्जेस है 700 दिरहम सिर्फ 7 आवर्स के लिए। तो मैंने पूछा कि अगर किसी को 12 आवर चाहिए होगा तो कितना होगा, तो बोलती है 900 दिरहम, तो बहुत मतलब कॉस्टली था। तो मैं ज़बरदस्ती लेके तो आ गई थी, लेकिन उसने रो रो के इतनी कयामत की कि मैं क्या बताऊँ, इतनी सिसकियाँ बन गई उसकी और ऐसे लगता था जैसे उसको किसी ने मारा है, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। फिर मैं घर पे आई, घर पे आने के बाद मैं पैसे लेके गई, क्योंकि मैं पैसे तो लेके नहीं गई थी, मुझे क्या मालूम था यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो फिर मैंने पैसे लिए। उसके बाद में फिर इनको ड्रॉप किया, एक घंटे का चार्ज है इनका 20 दिरहम एक बच्चे का, तो मैंने उनको बोला कि मुझे डिस्काउंट चाहिए तो दोनों बच्चे खेलेंगे तो कितना 30 दिरहम चलेगा, तो बोलती ठीक है। तो इन दोनों को मैंने एक घंटे के लिए ड्रॉप कर दिया और उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इशाल और इल्हाम बहुत खुश थे आज, क्योंकि इन लोग को प्ले सेंटर में जाना बहुत पसंद है, और ये सारे वीडियो क्लिप्स उसने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए थे। इन लोग को ड्रॉप करने के बाद मैं घर पे आई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी मैंने कुकिंग करी आज, बस मैंने कूसा की सब्ज़ी बनानी थी तो वो भी फटाफट बन गई थी। एक घंटा हो गया अभी इनको लेने जा रही हूँ। ये सामने बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, और ये सामने बिल्कुल आमने सामने ही है। अभी ले के जाने के टाइम पे भी बहुत रोएगी मुझे मालूम है इल्हाम, उसका दिल कम भरवा जाती जल्दी। लेट्स गो होम इल्हाम, लेट्स गो होम। नो सी स्टिल नो। लेट्स गो इल्हाम, अभी उसका दिल नहीं जाने के लिए देखा। और इशाल थक गई है, इशाल बोलती मुझे घर जाना है। इल्हाम लेट्स गो, खेला और टॉय हाथ में ले लिया, बोलती मैंने दूंगी, मेरा टॉय है, मेरा बेबी। यू वांट बेबी? ओ व्हाट इज दिस बबल? ओ यू वांट बेबी? ओके आई विल बाय फॉर यू बेबी। ओके देखा कितना रो रही है, अब उसको बेबी के लिए रो रही है, उस टाइम पे अंदर जाने के लिए रो रही है, अभी बेबी के लिए रो रही है, बस 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 फिनिश फिनिश, टुमारो वी विल गो अगेन। ओके टुमारो वी विल गो अगेन इल्हाम। 9:45 बज गया, बस रो रो के सो गई, इतना रोई आज बाप रे। 10:45 बजे रमीज़ भी आ गए थे, वो भी रोटी ले आए और हम लोग भी रोटी ले आए, और इल्हाम अपनी नैप लेके उठ गई है, तो बस अब हम डिनर करेंगे। और ये रहा कुसा तोरी जो आज मैंने बनाया था, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, स्पाइसी भी था। ग्रोसरी तो आज बंद हो गई थी तो ग्रोसरी नहीं गए, पहले गए कार वॉश में, उसके बाद में कार वॉश के पीछे एक कैफेटेरिया था जहाँ से कल भी हमने चाय पी थी, तो आज भी हम लोग यहाँ से ही चाय पीने आ गए। उसके बाद में बस थोड़ा बहुत बचे यहाँ वहाँ खेले, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करी और हम लोग सीधा घर आ गए। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।